महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत के कार बाजार में अपना एक अलग नाम रखती है। भारत के लोगों को महिंद्रा की गाड़ियों को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, पर क्या आप जानते हैं महिंद्रा के साथ जुड़कर अपना ही कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। दरअसल महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस नाम से एक ब्रांड है। इस ब्रांड की जो आउटलेट है भारत में काफी बड़े लेवल पर पीओ की हुई कारों का बिजनेस महिंद्रा करती है। आज हम इसी महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस के ब्रांड से जुड़कर आपके अपने काम करने की इच्छा को पूरा करने का तरीका बताएंगे। मतलब दोस्तों महिंद्रा फर्स्ट चॉइस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। महिंद्रा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, इसके बारे में लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में भी मार्केट में पहले से ही अपनी जगह पे बनाए हुए है, लेकिन कंपनी अभी इसको और बढ़ाना चाहते है, इसलिए थोड़ी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे चले। फिलहाल महिंद्रा फर्स्ट चॉइस भारत के 270 शहर में 500 प्लस से ज्यादा आउटलेट के साथ भारत का सबसे बड़ा कार मार्ट बन चुका है। महिंद्रा दुनिया भर की 100 से ज्यादा देशों में अपने बिजनेस कर रही है। वहीं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जल्द ही भारत में 1800 से ज्यादा महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आउटलेट ओपन करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी यहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। अगर आप भी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस कारोबार के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, जो कुछ इस प्रकार होगा। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए पहले आपके 2000 से लेकर 3000 वर्ग फुट की आपके पास में जगह होनी चाहिए, जिसमें लॉन्च के लिए 200 से 700 स्क्वायर फीट, वर्क एरिया के लिए 700 से 1000 स्क्वायर फीट और कार पार्किंग एरिया के लिए आपके पास में 500 से 1000 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल आपका 2000 से 3000 स्क्वायर फीट स्पेस आपके पास में चाहिए होगा। तो ये तो हुई दोस्तों स्पेस की बात। जगह के साथ साथ कंपनी के बिजनेस को शुरू करने के लिए कंपनी को आपको कुछ या फिर डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस फ्रेंचाइजी लेने में आपकी मदद करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हैं, प्लस एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इसमें राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं और बैंक अकाउंट की यहाँ पे जानकारी पासबुक के साथ आपको देनी होगी। साथ ही आपको फोटो, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी आपको देना होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको टीन नंबर और जीएसटी नंबर भी देना होगा, प्लस जगह की जानकारी भी देनी होगी, जैसे कि आपका लीज एग्रीमेंट, एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इन सभी जानकारी से आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई लाख दो लाख का तो काम है नहीं, काम बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपका मोटा होगा। तो चलिए कितना लगेगा आपका पैसा इस पर करते हैं बात। तो जैसे कि आपको बताया स्पेस कम से कम 3000 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस फ्रेंचाइजी संचालन शुरू करने के लिए नगद निवेश की आवश्यकता कम से कम दोस्तों आपको 30 लाख रुपए की होगी और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक हो सकती है। ये एक अनुमान के तौर पर है, इसे सटीक अमाउंट ना समझें, सही जानकारी आपको यहाँ पे कंपनी के द्वारा ही मिलेगी। फिर भी हम आपको अपना थोड़ा सरल भाषा में समझा देते हैं कि कितना आपका पैसा यहाँ पे खर्च हो सकता है और क्यों आपको 30 से 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। जैसे दोस्तों लैंड कॉस्ट के लिए आपको तकरीबन 20 लाख रुपए तक आपको 50 लाख हो सकती है। वहीं उस लैंड पर दोस्तों बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 5 से 10 लाख रुपए हो सकती है। सिक्योरिटी फीस आपको कंपनी को देने के लिए 1 से 2 लाख रुपए लगेगी और स्टाफ की सैलरी आपकी 1 से 2 लाख रुपए महीने की होगी और बाकी छोटे मोटे अदर चार्जेस आपके 2 लाख रुपए। तो ये हुआ खर्चा। अब आखिरी बात, अगर आप यहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ जुड़ने का मन बना चुके हैं तो कैसे आप इसके साथ जुड़ सकते हैं ये भी आप जान लें। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस फ्रेंचाइजी लेने की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो काफी सरल है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस वेबसाइट में उपलब्ध आवेदन को पूरी तरह और सटीक तरीके से जानकारी भरने के बाद आपको महिंद्रा की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको www.mahindrafirstchoice.com पर आपको जाना होगा, जहां आपको वेबसाइट के होम पेज पर पार्टनर विद अस का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का और फ्रेंचाइज एडवांस का। आपको यहाँ पे फ्रेंचाइज पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, जहाँ एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ आपको अपनी सारी जानकारी भर के उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है, जिसके बाद कंपनी आपको यहाँ पे इंटरव्यू लेती है और फिर आपकी लोकेशन का जायजा भी करती है और आपके दिए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह देखती है और इस तरह से आप फ्रेंचाइजी के लिए चुने जाते हैं। और काम पूरा होने में लगभग 3 से 5 हफ्ते का समय लगता है। इसमें कंपनी को सब कुछ सही लगता है तो आप महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कंपनी के साथ जुड़कर स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा।